तो देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिली। लोगों ने इस पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। लेकिन हम आपको आज ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां भगवान की नहीं यमराज की पूजा की जाती है। लोग यमराज से मन्नतें मांगते हैं। देश भर में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर और मंदिर रोशनी से जगमगा रहे हैं। ऐसे में हम आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां भगवान की नहीं बल्कि यमराज की पूजा की जाती है। जी हां, सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, जो कि देश का एकमात्र यमराज का मंदिर है, जहां साल में एक दिन ही विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि यमराज की पूजा करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचता है। यमराज की पूजा के लिए भक्त दूर दूर से इस मंदिर में आते हैं। मंदिर में ऐसे आना हुआ कि जैसे भगवान ने मुझे खुद पकड़ के बुलाया हो। यहाँ आके दर्शन हुए तो पता चला कि इनका महत्व आज के ही दिन दर्शन करने का है। तो ये भगवान का आदेश था कि जाएगा कहाँ दर्शन करके ही जा। तो मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई तो दर्शन करने के लिए आ गया हूँ। सब दर्शन हुए बहुत अच्छे साल के महत्व के। 300 साल पुराने यमराज के इस मंदिर में साल में एक बार विशेष पूजा की जाती है। नरक चौदसी के दिन भक्त यमराज के दरबार में हाजिर होकर पूजा अर्चना करते हैं। यमराज की पूजा अर्चना भी खास तरीके से की जाती है। पहले यमराज की प्रतिमा पर घी तेल पंचामृत इतर आदि से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद दीपदान किया जाता है। आज के दिन जो है नरकासुर नाम का जो राक्षस था उसका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था, उसके मोक्ष के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले गए थे। तो आज के दिन यमराज की पूजा विशेष मानी जाती है। अपने सायंकाल दीपदान किया जाता है। भगवान श्री भगवान यमराज को आज पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमें जो शरीर में कष्ट है या जो यातनाएँ हैं वो दूर करके हमें सदगति मोक्ष को प्रदान करें। यमराज की पूजा करने के लिए देश भर से लोग ग्वालियर पहुंचते हैं और यहां पूजा में भाग लेकर यमराज को रिझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही प्राचीन होने के चलते ये पूरे देश में श्रद्धा का केंद्र बन गया है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए अब आपको दिखाते हैं गृह